आज खबर की शुरुआत करेंगे एक सवाल से। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी की ताजपोशी चाहते हैं? देखिए, बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी का दामन थामा है, तब से राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी जल्द ही तेजस्वी यादव को सौंप सकते हैं। और ये चर्चा फिर तेज हो गई जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। नीतीश कुमार ने मंच से चिल्लाकर कहा, खड़े होकर तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दीजिए। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी को गले लगाकर बधाई भी दी। आपको याद होगा, इससे पहले भी एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई थी और उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया था। इसके बाद एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि अब इसको बढ़ावा देना है, यानी तेजस्वी यादव को। इससे पहले आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तो तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख तक बता दी थी। याद होगा आपको, सोशल मीडिया पर तेजस्वी को बिहार के भावी मुख्यमंत्री बताने लगे हैं लोग। तेजस्वी के जन्मदिन पर तेजस्वी को ट्विटर पर किसी ने मुख्यमंत्री कहा तो किसी ने भावी मुख्यमंत्री कहकर बर्थडे विश किया। और देखिए, बिहार में तेजस्वी के सीएम बनने की चर्चा होने लगी है और भी ज्यादा तेज हो गई है। ना सिर्फ आरजेडी नेता बल्कि बीजेपी नेता भी इसे मानने लगे हैं। आपको याद होगा शिवानंद तिवारी का वो बयान जिसमें उन्होंने तेजस्वी के सीएम बनने की बात कही थी। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार को आश्रम चले जाना चाहिए और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए। ये बयान जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। हम लोग आश्रम खोलेंगे और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने के देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे उस प्रशिक्षण के काम में। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको याद दिलाते हैं जब नीतीश कुमार ने भरे मंच से तेजस्वी को मुख्यमंत्री कह डाला था। जी हां, 27 सितंबर को पटना में कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार, जहां नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया था। भले सीएम की जुबान फिसल गई थी, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार ने अपनी गलती नहीं सुधारी थी। बड़ी खुशी की बात है और इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कुछ दिनों पहले भी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को साफ कर दिया कि अब डिप्टी सीएम को आगे बढ़ाना है जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बाबा के पास समझ गए जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको बाबा के पास समझ गए। बहरहाल, अगर कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार साफ तौर से चाहते हैं कि तेजस्वी को पूरा का पूरा कमान सौंप दिया जाए, पूरा का पूरा मौका मिले। और हो सकता है भतीजे की ताजपोशी के लिए नीतीश कुमार और भी आगे कुछ कोशिश करें। लेकिन जब भी तेजस्वी से मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया है, जब भी मीडिया ने सवाल किया है, तब तेजस्वी का बड़ा क्लियर जवाब रहा है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमको कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की, लेकिन बिहार में जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन थामा है, तब से कयास लगाना लाजमी हो गया है कि चाचा पीएम बनने की होड़ में है तो भतीजा सीएम बनने की होड़ में।